साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। जामिया बीएड फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट है, ज़बान क्या है, जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा, उसी का आगे का ये स्ट्रक्चर है कि लैंग्वेज इज़ अ सोशल कल्चरल फिनोमिनन, यानी तमद्दुन की तरसील का जरिया। तो उसी में आगे आपको लिखना है कि इंसान की आबादी के साथ ज़बान की तरक्की भी हुई, और जब इंसान के इंसान हालात और ज़रूरियात की बुनियाद पर ग़िज़ा और पुरसकून रिहाइश की तलाश में मुख्तलिफ़ सिमतों में फैल गया तो मुख्तलिफ़ माहौल में ज़बानें वजूद में आई और नई तहजीबें व तमद्दुन की तश्कील भी होती है। इसी तरह और भी बातें हैं, सारी आप लिख दीजिएगा। और अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर है ज़बान की फितरत, यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज। ज़बान की फितरत के बारे में कि ज़बान हमेशा वक्त हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती है। जैसे आप अमेरिका में तो इंग्लिश बोलेंगे, भारत में तो हिंदी, इंग्लिश उर्दू बोलेंगे, अलग अलग जगह के अरब में तो अरबी बोलेंगे। ये सारी बातें इसके अंदर आपको लिखनी है। इसी तरह से जामिया के बीएड के नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, तो आप हमसे रब्ता करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ज़बान की साख, ज़बान के अज्जा, तो इसके अंदर है कि ज़बान बहुत सी ज़ेली निज़ाम या ज़बान बहुत से अज्जा से मिलकर बनती है। ये सारी बातें आप लिखेंगे। फोनोलॉजी यानी सूतियात, ज़बान सूतियात से मुराद ये है कि ज़बान में मौजूद आहंग, कलाम के निज़ाम और पैटर्न नमूने से है। सारी बात आप लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पर लिखा है फोनेटिक्स, यानी सूतियात लिसानियत की एक शाख है जो मुताला करती है इंसान किस तरह आवाज़ पैदा करता है और उसको जानता है, ठीक है। मॉर्फोनोलॉजी सरफिया, सैनेटिक्स नहू, ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है भाई अगले पेज पे है कि ये लफ्ज़ों की तरतीब है। इसके बाद है मानवियाती साइंस, ठीक है, ये पूरी बात आप इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। और ये आपका पूरा हो गया टॉपिक, इसके अंदर ये था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में था ये। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। शुक्रिया।